अजब मुल्क की गजब कहानी। PIA जो कई दहाइयों से पाकिस्तानी मोईशत के लिए सफेद हाथी बनी हुई है, हुकूमत ने मौशी बोझ कम करने के लिए PIA को प्राइवेट करने का फैसला कर लिया था और IMF ने भी कर्ज की शराइत में ये बुनियादी शर्त रखी थी, जिसके हवाले से अप्रैल में निजकारी कमीशन तश्कील दिया गया। पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों के कंसोर्शियम ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद 6 कंपनियों के कंसोर्शियम शॉर्टलिस्ट हुए, जिन्होंने बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए और तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद 1 अक्टूबर को बिडिंग की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन हुकूमत ने अचानक 26 सितंबर को बिडिंग को 1 माह के लिए मौखर कर दिया। ब्लू वर्ल्ड सिटी उन 6 कंपनियों में शामिल थी जो शॉर्टलिस्ट हुई थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी थी जिसने PIA की निजकारी के लिए तमाम जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी की, जबकि दीगर कंपनियों ने मुकर्रर तारीख तक तमाम दस्तावेजात न मुकम्मल की न जमा करवाई, जिसके बाद होना तो ये चाहिए था कि कागजात जमा न करवाने वाली कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, बल्कि उल्टा निजकारी कमीशन ने बगैर कोई वाजे वजह बताए बोली की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी। हुकूमत की इस हरकत से निजकारी के अमल में शफाफियत पर शक के साए गहरे हो रहे हैं। इस बारे में आवाम क्या कहती है? पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नवाजना चाह रही है, क्योंकि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने टाइम के ऊपर जमा करवा दिए हैं, शफाफियत के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए गए हैं, और अगर उसके साथ जो बाकी कंपनीज हैं उनमें से किसी ने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली नहीं जमा करवाए, तो इसमें ब्लू वर्ल्ड का तो कोई कसूर नहीं है। क्या ऐसी वजह, कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी कंपनी या कोई पाकिस्तानी बिजनेस ओनर जो है वो PIA की इस प्राइवेटाइजेशन की दौड़ के अंदर अपना हिस्सा ना डाल सके? ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि अगर एक प्रोसेस था तो उसको स्मूथली होना चाहिए था। अब इसमें सुनने में आ रहा है कि 6 कंपनीज क्वालिफाई की थी, ठीक है, उनमें से एक कंपनी लोकल है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक पाकिस्तान की ही कंपनी है और वो पाकिस्तान के ही एसेट्स को ले रही है, तो इसमें ये है कि जो भी रेवेन्यू होगा वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेगा। जब इतने मुश्किल अमल को पूरा करते हुए 5 या 6 कंपनीज ने क्वालिफाई कर लिया था, तो एक बिल्कुल आखिरी दिनों में आके 1 महीना मजीद एक्सटेंड कर देना समझ से बाहर। अगर एक पाकिस्तानी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है लीगल वे में, अगर उसको नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या इसके पीछे कोई हुकूमत की कोई बदनीयती है या किसी और कंपनी को किसी और पार्टी को कोई सहूलत देने की तैयारी हो रही है या इस तरह की कोई कोशिश हो रही है? तो ये एक चीज़ पता होनी चाहिए और आवाम के सामने नजर आनी चाहिए ये चीज़। IMF ने वाज़े पैगाम दिया है कि PIA के निष्कारी मुकम्मल किए बगैर उनकी डील मुमकिन नहीं। क्या बिडिंग की तारीख में तौसी ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ साजिश है? क्यों एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? ये एक कंपनी के साथ ज्यादती नहीं, बल्कि पाकिस्तान और PIA के साथ ज्यादती है।